केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जबलपुर में भी ट्रैक्टर रैली निकाली गई। भारतीय किसान यूनियन ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र सरकार पर किसान विरोधी नीतियों को अपनाने और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सम्मति सेनी ने नेतृत्व में बड़ी तादाद में किसानों ने ट्रैक्टर के साथ रैली में हिस्सा लिया। शहर के कटंगी बाईपास से दीनदयाल चौक तक निकाली गई इस रैली के जरिए आक्रोशित किसानों ने केंद्र सरकार को आगाह किया है कि यदि कृषि संशोधन कानूनों को जल्द वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र रूप दिया जाएगा। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसानों ने आंदोलन में हिस्सा लिया और तीनों कृषि कानूनों को खेती और किसानी के लिए घातक करार दिया। नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों की कठपुतली के तौर पर काम कर रही है, जिसके चलते वह देश के लाखों किसानों के हितों को नजरअंदाज कर रही है। आक्रोशित किसानों का कहना है कि पिछले करीब डेढ़ माह से चल रहे इस किसान आंदोलन के दौरान 60 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई है, बावजूद इसके सरकार पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। कृषि संशोधन कानूनों के खिलाफ चल रहे देशव्यापी आंदोलन के तहत अब जबलपुर में भी किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि अगर सरकार ने जल्द कानून वापस नहीं लिया तो जबलपुर में भी बड़ी तादाद में किसान दिल्ली कूच करेंगे और आंदोलन में शामिल होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। साथ ही में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सम्मति सेनी ने किसानों द्वारा आजादी के बारे में किए गए आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि जब जब किसानों पर संकट आया है किसान अपनी बात मनवा कर ही माने हैं और इस बार भी कृषि संशोधन कानूनों के मामले में भी सरकार को हर हाल में पीछे हटना होगा। भारतीय किसान यूनियन की ट्रैक्टर रैली को लेकर प्रशासन खासा सतर्क रहा। भारी तादाद में पुलिस बल और अफसरों की टीम मौके पर तैनात रही ताकि किसी प्रकार की अशांति न फैले और बाद में किसानों ने जनसभा के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर किसान हितों को ध्यान में रखते हुए कानूनों को तत्काल वापस दिए जाने की मांग की, जिसके बाद किसान नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत करवाया। समय सरकार गंभीरता से लेगी और काले कानून को रद्द करेगी। कुछ बोलेंगे आप? ये रैली निकाली है, क्या उद्देश्य है, कितना आक्रोश है लोगों में? पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान की वो दुर्दशा हो गई है। केंद्र सरकार ने जो तीन नए कानून काले कानून लाई है, पूरे देश का किसान चाहता है कि वो कानून वापस हो। दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल, साथ में उत्तर प्रदेश, हर जगह का किसान आकर पिछले 60 दिन से बैठा हुआ है। 60 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई है, लेकिन ये एक अंबानी के पोता होता है, उसको खिलाने के लिए केंद्र सरकार का मुखिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 80 आदमी मारे गए किसान, 70 आदमी किसान मारे गए, उनके लिए एक भी संवेदना व्यक्त करने का केंद्र सरकार के पास समय नहीं है। आज किसान की हालत ये हो गई है कि किसान खेत छोड़ के सड़क पर है और अंबानी, अडानी और उद्योगपति बिल्डर खेतों में हैं। ऐसा कैसे होगा? हम आगे का जीवन ये किसान कैसे व्यतीत करेगा? इतने बुरे हाल, हर चीज़ की कालाबाजारी, केवल चंद लोग जब देश को चलाएंगे तो आप ये सोच लें आने वाला समय हमारे देश के लिए बहुत ख़राब दौर आने वाला है। मैं अपने साथियों के साथ आज सांकेतिक रूप से आया हूँ, लेकिन आपको ये बात का विश्वास दिलाता हूँ, आज हमारे कुछ साथी शायद यहाँ से दिल्ली के लिए भी रवाना हो रहे हैं, कल उनके आंदोलन में गाड़ियों से जा रहे आंदोलन में शामिल होंगे। पर मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, मैं राष्ट्रीय किसान यूनियन सर्व का अध्यक्ष जब से बना हूँ मैं बेचैन हूँ। मैं किसानों के हितों के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे किसी भी दौर से गुजरना पड़े, मैं दौड़ने को तैयार हूँ। सरकार कमेटी बना रही है, समितियाँ बात करने आ रही है, बात क्यों नहीं बन रही? कौन सी समिति बना दी, कौन सी सरकार बना दी? एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, किसान कहता है कि ये एक सरकार की मर्जी की कमेटी है और उसके बाद उसमें से कमेटी के सदस्यों ने रिजाइन दे दिया। और यदि कमेटी के सदस्य पहले से ही इस कानून का पालन कर रहे हैं तो आप कैसे समझते हैं ये बात कि वो कमेटी किसानों से बात करके कोई हल निकाल सकती है? ये तो सरासर किसानों के साथ धोखा है और ये धोखा ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। अब समय आ गया है,
1917 में भी एक चंपारण में हुआ था, 1918 में भी अवध में लगान वसूली के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उसमें तब भी किसान की जीत हुई थी। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आज भी किसान की जीत होगी। मध्य प्रदेश की सड़कों पर आज ट्रैक्टर यहाँ चला है, हम अगले बार जब चलेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों पे ऐसे ट्रैक्टर चलेंगे, सरकार की नींद हराम कर देंगे। हमारा सरकार से निवेदन है, आज भी हमने राष्ट्रपति के नाम जो एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं, सो बड़ा स्पष्ट उसमें अंकित है कि हमारे किसानों का जो काला कानून है आप वापस ले लें, किसानों के संगठनों को बनाएं, बुलाएं, आमंत्रित करें और उनसे मिलकर एक ऐसा कानून बनाएं जो सबको सर्वमान्य हो। आज तक किसी भी सरकार ने कानून बनाया किसानों के हित के लिए वो सदैव उसका सम्मान हुआ है, क्योंकि किसानों से पूछा गया। लेकिन आज हर कानून हर बात, क्योंकि अगर सरकार बहुमत में ज़रूरत से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनमानी करेगी। आज देश जाग गया है, देश का किसान जाग गया है, देश का जवान जाग गया है। आज एक तरफ बड़े दुख की बात कह रहा हूँ कि ये किसान जो हमारा चला ट्रैक्टरों पर आ जाए हैं और ये यहाँ ट्रैक्टरों पर भूखे और अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, और इनके पुत्र देश में सेना में बॉर्डर पर जाके देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे संगठन का नारा है जय जवान जय किसान। किसान का बेटा ही देश का रक्षक है और किसान देश का रक्षक है। यदि किसान नहीं रहेगा तो ये समझ ले कि बॉर्डर पर किसान का पुत्र कैसे रहेगा। आज ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।